नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में हलचलें चल रही, हलचलें इसलिए क्योंकि चुनाव पास आता जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 24 के चुनाव की। निकाय चुनाव तो पहला चरण हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और दूसरा चरण यहां पर 11 मई को मतदान होगा और 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार बाजी किसने मारी है। पर सबसे पहले आपको बता दूं कि 24 चुनाव को मद्देनजर देखते हुए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए यहां पर राजनीति की जो स्थिति है बड़ी सरगर्मी लगातार चलती नजर आ रही। कारण चुनाव, कारण 24, और कारण केंद्र की सबसे बड़ी सत्ता यानी केंद्र सरकार पर पहुंचना, सरकार बनाना देश में और उसके बाद राज करना। खैर, राज की बात मैंने सीखी क्योंकि जब भी पार्टी सरकारें पहुंचती है तो राज ही करती है, और राजशाही व्यवस्था ही हमारे देश में फिलहाल लागू है। लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा है, पर यहाँ पर बात जनता की भली ना हो पर धार्मिक मुद्दों की हमेशा होती रहती है। मैं बात कर रहा हूँ महत्वपूर्ण मुद्दों की। यहाँ पर मुद्दे हैं बजरंग दल को बैन को लेकर, कांग्रेस का बयान आया, उसके बाद लगातार बजरंग बली की एंट्री राजनीति में हो गई। और जिस तरह यहाँ पर हनुमान चालीसा के पाठ से लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, और उसके साथ साथ बजरंग दल को बैन करने को लेकर जिस तरह से विरोध दिखाई दे रहा है, वो स्पष्ट करता है कि जनता के मुद्दे भले ना उठाए जाएं पर सत्ता की बात करें, विपक्ष की बात करें, ईश्वर को, भगवान को, धार्मिक विवादों को राजनीति में जरूर लाएंगे। खैर, यह जो मामला है वो भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मामला है द केरल स्टोरी। 26 अप्रैल को ट्रेलर लॉन्च हुआ, और ट्रेलर लॉन्च होने के बाद 5 मई को फिल्म रिलीज हुई, और फिल्म रिलीज होने के बाद जो स्थिति हम आप देख रहे हैं कि फिल्म को कई प्रदेशों में टैक्स फ्री कर दिया गया, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है, और महाराष्ट्र और दिल्ली और तमाम राज्यों में मांग की जा रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और चर्चा यह है कि बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहना है कि अगर इस तरह की फिल्में दिखाई जाएंगी तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का डर है, इसलिए इस तरह की फिल्में हम नहीं दिखाएंगे, उनको बैन कर दिया गया है। तो भाई केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हुए इस फिल्म को बैन कर दिया था। उनका कहना था कि ये फिल्म एक एजेंडा है और जानबूझ के एक विचारधारा को दिखाया गया है, और कहीं ना कहीं ये हमारे प्रदेश में जो सौहार्द है उसको खत्म करने का काम करेगा, इसलिए इस फिल्म को हम यहां बैन करते हैं। खैर, उसके बाद जब फिल्म बैन हुई तो निर्देशक सुदीप्तो और प्रोड्यूसर यानी निर्माता विपुल शाह के बयान भी, और उन्होंने कहा कि जहां ये फिल्म बैन कर रहे हैं वहां पर बैन नहीं करना चाहिए बल्कि दिखानी चाहिए। दिक्कत क्या है, अगर कोई तस्वीर दिखाई जाती है तो समस्या क्या है, कश्मीर फाइल दिखाई जाती है तो दिक्कतें क्या है, अगर कोई चीज बेहतर है और कोई चीज सच दिखाया जा रहा है तो तकलीफ किसको है। पर तकलीफ यहां पर इसलिए भी है क्योंकि चुनाव पास है, और फिलहाल चुनाव को लेकर यही कहा जाता है कि बीजेपी 80-20 की बात करती है, तो जब बीजेपी को आईना दिखाने वाले लोग भी समझ लें कि वो भी यहां पर 20-80 की बात भी करते हैं, स्पष्ट दिखता है। खैर, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी इस पर लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है, और सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि मनोरंजन को मनोरंजन की तरह रहने दें, इस पर राजनीति ना करें। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति शुरू हो चुकी है, और जब फिल्म का ट्रेलर आया था तभी राजनीति शुरू हो गई थी। कहानी सबको पता है और ट्रेलर और फिल्म भी लगभग लोग देख चुके हैं, और बीजेपी के द्वारा तो तमाम बच्चियों को फिल्म दिखाई गई है। फिल्म के तहत बताया गया है कि केरल में 32,000 से ज़्यादा महिलाओं को जबरदस्ती धार्मिक परिवर्तन कराया गया था, धर्म परिवर्तन कराया गया था एक विशेष एजेंडे के तहत। खैर, आंकड़े ऊपर हो या नीचे हो, पर जिस तरह से इस किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री अदा शर्मा का बयान है, उन्होंने कहा था कि मैं तमाम अभिनेत्रियों जो लड़कियां हैं उनसे मिली हूं, और उनकी स्त्री से देख के पता चलता है कि जो आंकड़े हैं वो गलत नहीं है। खैर, उनकी अपनी विचारधारा है, पर जो आंकड़े हैं उस पर लेकर भी लगातार चर्चा है, क्योंकि केवल यह केरल की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार महिलाओं को लेकर जो आंकड़े हैं वो दर्द देने वाले हैं, डर पैदा करने वाले हैं, चाहे बाहर गुजरात की करूं और चाहे महाराष्ट्र की करूं, क्योंकि मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं, ये आंकड़े एनसीआरबी के। खैर, यहां पर केरल स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, और जिस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, विवाद चल रहे हैं और बयान चल रहे हैं। जनता के मुद्दे किसी को न जानना चाहते हैं, और जनता के मुद्दों पर चुनाव भी होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। चुनाव धार्मिक मुद्दों का, चुनाव व्यवस्थाओं का, चुनाव ध्रुवीकरण का। अब ध्रुवीकरण कौन कर रहा है जनता सब जानती है, और अगर बीजेपी को लेकर यह बात कही जाती है कि बीजेपी
अस्सी बीस की बात करती है तो सर उन लोगों को भी देखना चाहिए कि वो भी 20-80 की बात कर रहे हैं। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो राज्य तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं वह इस फिल्म को नहीं चलने देंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि देशवासी इस फिल्म को अगर वह कोई सिनेमा घरों में प्रतिबंधित कर देंगे तो और किसी सोर्स से वह इस फिल्म को जरूर देखेंगे। और मैं अपील भी करता हूं कि इस फिल्म को वह जरूर देखें, क्योंकि अब फिल्म देखना जरूरी ही नहीं, बहुत जरूरी। गुजरात के गुजराती विपुल शाह ने एक झूठ और फरेब के आधार पर फिल्म बनाई है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, द केरला स्टोरी। और भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री विपुल शाह की झूठ और फरेब पे आधार पर बनी हुई फिल्म द केरला स्टोरी का प्रचार कर रहे हैं। विपुल शाह, अगर तुम्हें फिल्म बनाना थी तो तुम गुजरात के रहने वाले हो, बहुत से मुद्दे गुजरात में हैं, अगर बनाना थी फिल्म तो बिल्किस बानो पे बनाते, जिनको संस्कारी ब्राह्मण कहा गया, बलात्कारियों को, उस पर फिल्म बनाते। अगर फिल्म बनाना थी तो बाबू बजरंगी बनाते, मायाकोट नानी पे बनाते, स्वामी चिन्मयानंद पे बनाते, स्वामी नित्यानंद पे बनाते, आसाराम बापू पे बनाते, कुलदीप सेंगर पे बनाते, बहुत से मुद्दे हैं, ये सच्ची घटनाएं थी, इन पे बनाओ फिल्म। प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं फिल्म का, और प्रधानमंत्री जी की देखा देखी उनकी टीम के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको टैक्स फ्री कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार आज हर मोर्चे पे फेल है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या महंगाई हो, बेरोजगारी हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो मुद्दे सूट करते हैं, नफरत का, बंटवारे का मुद्दा, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। द केरल स्टोरी को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करना एक सोची समझी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां उत्तर प्रदेश में जनता से दूध और दही पे टैक्स ले रही है, वहीं द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को टैक्स फ्री करके जनता को कौन सी राहत दे रही है, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार को बताना। महत्वपूर्ण चर्चा वैसे द केरल स्टोरी, विवाद की थ्योरी क्या है, अगर कोई बात कही जा रही है, अगर कोई कथानक है और अगर वो सत्य घटना पर आधारित है तो दर्द किसको है। कश्मीरी फाइल को लेकर भी यहाँ पर बात की गई और द केरल स्टोरी को लेकर बात की गई। अगर जन सामाजिक मुद्दों पर कोई फिल्म बनती है या इतिहास पर कोई फिल्म बनती है या सत्य घटनाओं पर कोई फिल्म बनती है तो दिक्कत क्या है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो हमेशा धारावाहिक के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से दिखाई जाती हैं, और तमाम ऐसे शो भी आते हैं जो हमने देखा है, जो लगातार घटनाओं को दिखाते हैं और एक सीख देते हैं कि इन घटनाओं से बचा कैसा जाए। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा विषय इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर केरल स्टोरी को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है वो भी सबके सामने है। यहाँ पर चुनाव को देखते हुए यही कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि ये जानबूझ के बीजेपी द्वारा व्यवस्थित लाई गई है, तो अगर बीजेपी द्वारा लाई गई है तो फिर इसके निर्माता और निर्देशक को बीजेपी पार्टी का ही होना चाहिए। पर फिलहाल सुदीप्त सेन गुप्ता और विपुल शाह भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो एक निर्देशक है और निर्देशक का अपना काम होता है फिल्म बनाना, और फिल्म बनाने के बाद वो अपनी चीजों को स्पष्ट करता है, अवश्य जिसको दिक्कत हो वो दिक्कत देखे और जिसको अच्छा लगे वो फिल्म देख सकता है। टैक्स फ्री करने का अधिकार सरकार को होता है, अगर कोई सरकार इसको टैक्स फ्री करने की तरफ लगातार जा रही है तो दर्द किसको है, अगर मनोरंजन मांगते हैं तो इस पर विवाद क्यों होना चाहिए। महत्वपूर्ण चर्चा में सह मेहमान जो रूबरू कारू कंजन द्विवेदी भाजपा प्रवक्ता से अपनी बात रखेंगे, विकास मिश्रा सातर महासभा से अपनी बात रखेंगे, सपा से उनके फॉरवर्ड नेता विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे, दयाराम भार्गव सुभाषपद अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो कंचन द्विवेदी से रहेगा। कंचन जी, चीजें आपके सामने हैं और अगर कोई चीज दिखाई जा रही है तो दर्द क्यों हो रहा है। 80-20 की बात कही जाती है, ध्रुवीकरण की बात कही जाती है, और यहां तक कि कहा जाता है कि फिल्म बीजेपी द्वारा लाई जा रही है, क्या बीजेपी फिल्म बनाती है, और अगर कोई सच्चाई लाई जा रही है तो दर्द कैसा है। गौरव जी, मेरा कहने का मतलब ये है, सोचने का मतलब ये है, मैं ये सोचना चाहती हूँ और लोगों को ये विचार करने के लिए मजबूर करना चाहती हूँ कि केवल फिल्म मनोरंजन का साधन नहीं हो सकता। अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो आपको कोई उससे टॉपिक मिल रहा है, सीखने का माध्यम बन रहा है, तो ये और भी अच्छा है। एक जगह मनोरंजन भी हो रहा है और दूसरी तरफ हमें वो जानकारियाँ मिल रही हैं जो कहीं ना कहीं हमसे छिपाई जाती हैं, कहीं ना कहीं हम
नाम से वो दबाने का प्रयास किया जाता है और वो एक पर्दे के पीछे ऐसा हो रहा होता है जो मानव जाति को शर्मिंदा करने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन का माध्यम हो सकता है, तो मैं पहले तो इस पॉइंट को गलत समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिसने भी फिल्म बनाई, विपिन जी ने फिल्म को बनाया, तो उन्होंने ये सोच करके फिल्म नहीं बनाया कि इस मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है कि जब वहां पर चुनाव होने हैं इसलिए केरला फाइल को, केरला स्टोरी को आप सब रिलीज कर रहे हैं या फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको सपोर्ट किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि फिल्म बनाने वाले को ये बिल्कुल नहीं पता था 3 से 4 साल पहले जब वो फिल्म लिख रहा था या उस पर रिसर्च कर रहा था कि इस समय ही उस फिल्म के बाद जब उसका रिलीज होने का वक्त आएगा उस समय यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे। तो ऐसा ये सब फिजूल की बकवास है, इन सब चीजों पर बिल्कुल भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं बस यही कहूंगी कि अगर कुछ अपनी अच्छी चीजों पर, इतिहास पर या फिर हमारी अच्छी बातों पर फिल्म आ रही है तो हमें देखना चाहिए और हमें उन चीजों से समझना चाहिए कि आखिर हमें फिल्म निर्माता समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं और दिखाना क्या चाहते हैं। हमेशा माध्यम मनोरंजन नहीं हो सकता। ठीक है बे भाई, मनोरंजन है, राजनीति क्यों होनी चाहिए? अगर फिल्म में कुछ दिखाया जा रहा है तो उसको देखिए, हो सकता चीज बेहतर हो, एक अलग संदेश देती हो, कि संदेश बहुत जरूरी है और फिल्म है समाज का आईना है। और हम देख चुके हैं तमाम ऐसी फिल्में होती हैं जिनसे लोग सीख भी लेते हैं और तमाम ऐसी फिल्में होती हैं जिनसे नकारात्मक प्रभाव भी आते हैं। पर यहाँ पर अगर कोई बात दिखाई जा रही है, कोई घटना दिखाई जा रही है, कोई आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, तो फिर इसमें यहाँ पर समर्थन करना चाहिए। अगर वहाँ पर टैक्स फ्री हो रही है तो दिक्कत क्या है? देखिए गौरव भाई, पहले तो पूरे मंच को मैं प्रणाम करते हुए अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा पूरे मंच से। जी प्रमाण होना चाहिए जी। बिल्कुल प्रमाण होना चाहिए, प्रामाणिकता के साथ प्रमाण को प्रमाण की तरह देखना भी चाहिए जी। सबसे बड़ी बात यह है कि केरल फिल्म में जो केरल फाइल्स की बात हो रही है, जिस फिल्म की, उस फिल्म में अभी तक जो सामने तथ्य आए हैं उसमें यह कहा गया कि 3 बच्चियों का जो वास्तविक घटना का आधार है जी, उसमें ये 30,000 के जो आंकड़े जोड़े जा रहे हैं ये कहां से? अच्छा चलिए ठीक, तो ये जिम्मेदारी, चूंकि मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता, ये मामला अब पहुंच चुका है कोर्ट जी, और फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर्स जो हैं जी, ये उनका दायित्व है कि अब वो इससे जुड़े हुए आंकड़े, चाहे जो भी वो दिखा रहे हैं या जो भी उन्होंने दिखाया, इसको प्रामाणिकता के साथ वो लोगों के सामने तथ्यपूर्ण तरीके से रखे। जिन्होंने भी केस फाइल किया है उसके अंदर जो भी आपत्तियां हैं वो न्यायालय के समक्ष है। हालांकि अगर ये मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं होता तो शायद मैं इस मुद्दे पे यकीनन अपनी टिप्पणियां रखता, लेकिन मामला चूंकि अब न्यायालय में आ चुका है तो इसपे प्रमाण को लेकर के कोई बात मुझे लगता है कि करना अपरिपक्वता होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर बात प्रमाण की है तो बिल्कुल एनसीआरबी ने अभी एक आंकड़े जारी किए हैं कि गुजरात में पिछले 5 साल में 40,000 महिलाएं बच्चियां गायब हुई हैं। अच्छा तो भाई ये तो एनसीआरबी के आंकड़े हैं और प्रमाणिकता तो उसी को मानेंगे हम जिसपे की प्रमाण एक जिम्मेदार संस्था दे रही है। इसी आधार पर महाराष्ट्र से 70 लड़कियां रोज लापता हो रही हैं, ये भी वहां की जो बहुत जिम्मेदार सांसद है उन्होंने ये बात उठाई है। अच्छा। और एनसीआरबी के आंकड़े भी देख लेते हैं, जनवरी में 1,600 लड़कियां लापता महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों से, फरवरी में 1,810 का आंकड़ा है, मार्च में 2,200 का आंकड़ा है और 3 महीने में अलग अलग जिलों से 5,610 लड़कियां बच्चियां गायब हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रोज 70 के आसपास जो बच्चियां गायब हो रही हैं उनमें 18 से 25 साल के मध्य आयु की बच्चियां हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति छोड़ करके सरकार को जिम्मेदारी से पहले एनसीआरबी की इस स्थिति का आकलन करना चाहिए। अच्छा। और बिल्कुल फाइलें बन रही हैं, बनने दीजिए, मूवी है, मूवी को मुझे लगता है कि जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि धार्मिक ग्रंथों को आप मार्गदर्शन मानिए। अच्छा। मार्गदर्शन लीजिए उनसे, उनको मार्गदर्शक मत बनाइए। अच्छा। अगर आपने महाभारत को मार्गदर्शक बना लिया फिर चीरहरण होगा, फिर वो चौपाल सजेगी। अच्छा। तो सबके अपने तथ्य हैं, यहाँ पे जितने मंच पे आसीन लोग हैं सबकी अपनी विचारधारा है, सबके अपने सोच है, लेकिन मुझे लगता है जो केरला फाइल बच्चियों को दिखाई जा रही है जिम्मेदारी के साथ ये भी बहुत आवश्यक है कि उनके परिजनों को दिखाई जाए। चलिए ये भी अच्छी बात है कि इसके लिए टैक्स फ्री कर दी, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ, लेकिन एक केरला फाइल से क्या हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जो अभिभावक हैं वो जिम्मेदार नहीं रह गए कि उनके बच्चे उनके नियंत्रण में नहीं है, कि वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं देखिए मनोरंजन की वस्तु है जिसको राजनीति का माध्यम बनाया जा रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। जब कश्मीर फाइल आई थी उस समय लगभग 150, कश्मीर फाइल की जब वाहवाही हो रही थी उस समय 150 हिंदू पंडित घाटी से पलायन कर रहे थे, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और आज जब
केरला फाइल की बात हो रही है, मणिपुर चल रहा है, तो मुझे लगता है टाइमिंग भी बड़ा मैटर करती है, ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि टाइमिंग बोल लीजिए, लेकिन टाइमिंग मैटर करता है। टाइमिंग बोल ही रहा है, पूर्ववर्ती घटनाओं के आधार पे तो टाइमिंग को आप देखेंगे। अब भाई कश्मीर फाइल के समय कौन ये बताएगा, कोई कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा, कोई ये स्वीकार करेगा कि 150 हिंदू पंडित, कश्मीरी पंडित उस समय घाटी से पलायन कर रहे थे? क्या इस बात पे कहीं चर्चा हुई? अच्छा। आप बताइए, आपने तो खुद कवर किया था इस रिपोर्ट को, मुझे याद है हम लोग डिबेट पे उठाई थी बात हमने, लेकिन क्या किसी ने इस बात पे चर्चा की, किसी जिम्मेदार नेता ने, जो कश्मीर फाइल्स पे वाहवाही लूट रहे थे या कश्मीर फाइल पे संवेदनाएं बटोर रहे थे, क्या हुआ उन्हीं कश्मीरी पंडितों को जो टीचर्स हुआ करते थे? आपको पता होगा, आपने भी कवर की वो स्टोरी, उनकी सैलरी रोक दी गई, वो तो धरने पे बैठ गए थे। तो मुझे लगता है, देखिए मुद्दों की बात होनी चाहिए, मनोरंजन अपनी जगह है, राजनीतिक माहौल में केवल विषयात्मक बात होनी चाहिए, उससे बड़ी बात। अब आज देश में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि इंटर के बाद, जो 12th के बाद जो इंटर करके लोग आए हैं, वो बताते हैं कि राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो भाई स्थिति जब इस स्तर की हो गई कि मंचों से जब एक गृह मंत्री ऐसे असंवेदनशील बयान दे रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप स्थिति समझ सकते हैं। वो अपनी योग्यता के अनुसार लोगों को देखना चाह रहे हैं। भाई यहाँ पे बहुत योग्य लोग बैठे हैं, डबल PhD होंगे, डबल MA होंगे, डबल ग्रेजुएशन होंगे, वकील होंगे, डॉक्टर होंगे। भाई एक सवाल है मेरा, जब परमावर पे फिल्म बनती है तब ये बुद्धिजीवी कहाँ चले जाते हैं? सुन लीजिएगा मेरी बात को, आप बोलिए। जब माँ काली पे फिल्म बनती है तब ये बुद्धिजीवी कहाँ चले जाते हैं? केवल जब मुस्लिम वर्ग को लेकर कोई फिल्म बनाई जाती है जिसमें मुस्लिम वर्ग की भूमिका रहती है, तब इतना बवाल क्यों होता है? इसका जवाब दे दीजिए। मुझे ये बताइए कि जब जो प्रकरण आप बता रहे हैं काली माँ का, जिसमें कि उनको सिगरेट जलाते दिखाया था, वही प्रकरण है ना? जी बिल्कुल। उस पर किसने आलोचना नहीं की? मैं अपने ट्वीट आपको दिखा सकता हूँ, मैं अपनी बात उठा सकता हूँ कि इस बात का मैंने खुद विरोध किया है। जी। तुम देखिए, आस्था एक ऐसा विषय हो चुका है कि आस्था एक संवेदनात्मक भावना से जुड़ा विषय है। ये लोगों के अंदर आपको मार्ग दिखाता है, आपको संस्कार सिखाता है। अच्छा। आपकी आस्था आपके ईश्वर में हो सकती है, आपके माता पिता में हो सकती है, लेकिन उस आस्था को हम जग जाहिर करें, उसका राजनीतिकरण करें, उसको राजनीतिक मंचों के परिप्रेक्ष्य में हम स्पष्ट करें, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता अभी भारत का धर्म और आस्था इतनी कमजोर नियति पे अभी नहीं आई है। हाँ, रही बात यहाँ पे विषय जो है, यहाँ पे जो बात उठ रही है केरला फाइल्स की, आपको याद होगा अभी आपने एक विषय और उठाया था कि इसको बंगाल में बैन किया गया, आज महाराष्ट्र में भी बैन करने की मांग उठी है और उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया। तो देखिए, हर राज्य की सरकारें अपने अपने राज्य की कानून व्यवस्थाओं के अनुसार निर्णय लेती है, उनके सलाहकार होते हैं, विधि सलाहकार होते हैं। भाई जब आदरणीय जो आज प्रधानमंत्री हैं देश के, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने भी यानी हिंदू धर्म की निंदा करो तो वो फिल्म जो है चलाते रहो, उससे असामाजिक सौहार्द बेहतर रहेगा। और मुस्लिम धर्म की कोई पिक्चर आएगी जिसमें मुस्लिम धर्म की कोई भूमिका है या उस पर आक्षेप लगाया गया, आरोप लगाए गए, तो उससे सामाजिक सौहार्द ठीक रहेगा। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। बता दीजिए, जब आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो इन्होंने भी परजानिया नाम की एक फिल्म को बैन किया था। तो भाई परजानिया उस समय बैन हुई, तो उस समय कोई कानून व्यवस्था की स्थिति रही होगी राज्य की। आज अगर ममता बनर्जी को जी को लग रहा है तो उन्होंने बैन किया, आज महाराष्ट्र में मांग उठी है, भाई आज तो महाराष्ट्र में ही मांग उठी। और रही बात, आप इसको देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम के चश्मे से, हम तो उस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं जहां पे हमने तो मुस्लिमों के साथ अपना खाना एक दूसरे के टिफिन में खाया है। मेरे आज भी कई मित्र हैं, हमें तो अपनी मतलब बचपन से लेकर अभी तक हमें तो नहीं लगा कि हमारा धर्म संकट में। भाई हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, वो अपने धर्म का सम्मान करते हैं, एक महीन लकीर है धर्मों के बीच में, उस लकीर को जब आप लांघने का प्रयास करते हैं तब इस तरह की बातें सामने आती है। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि ये मामला कोर्ट में है, अब ये जिम्मेदारी तो उनकी है जिन्होंने फिल्म बनाई है, वो तथ्यों को स्पष्ट करेंगे, आंकड़े वो स्पष्ट करेंगे, कैसे वो उन्होंने विकास मित्रा ढूंढा है। विकास भाई, सब कुछ आपके सामने है, आदिपुरुष भी आपके सामने आई थी, माँ काली को लेकर फिल्म भी आपके सामने आई थी, परमावर भी आपके सामने आई थी, और फिलहाल ये मामला भी आपके सामने है। तमाम फिल्में आती हैं, कोई रोष नहीं होता, हिंदू संगठन जब कोई निंदा होती है तो विरोध करते हैं, बिल्कुल विरोध करना भी चाहिए, पर जब मुस्लिम वर्ग को लेकर यहाँ पर कोई फिल्म आती है तो बवाल क्यों होता है? चाहे कश्मीर फाइल की बात करें या ज़्यादा केरल स्टोरी की बात करें, कैसे देखते हैं? देखिए भैया, ये एक ऐसा मुद्दा है जी जिसमें हमें नहीं लगता इस मूवी में कहीं पर भी ये मैसेज दिया गया होगा कि मुस्लिमों के खिलाफ है या मुस्लिमों ने यह किया, ऐसा कुछ कहा जा रहा होगा जी। वो कुछ करेक्टर्स हैं जी। मुस्लिम नाम है क्योंकि वो सब्जेक्ट वैसा है, वैसा किया गया होगा। मतांतरण हो रहा है, इससे इस पैनल पर बैठा कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता, मतांतरण निश्चित तौर पे हो रहा है।
अगर उससे रिलेटेड कोई उनकी आदत है, मैं उनको जानता हूँ, उनके लिए तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, कई डिबेट में पहले मैं बोल चुका हूँ कि अगर डिबेट में बैठे हैं तो एक गंभीर मुद्दे बैठे, गंभीर विषय बैठे, एक अच्छी पार्टीज बैठे हैं, अपने चरित्र को वैसे साबित करें कि आप एक अच्छी डिबेट करने लायक हैं। बिल्कुल, अगर कोई कह रहा है उसको समझे, मुस्कुरा करके उसका मजाक उड़ाएगा। दिल्ली के आंकड़े मेरे पास है ना, तो मतांतरण निश्चित तौर पर हो रहा है। अब इस मूवी में मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, लेकिन विपक्ष में कुछ लोग, या अभी मैं AIMI के जो वो बोल रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया तो ऐसा लग रहा है कि वो बताना चाह रहा है कि हिंदू मुस्लिम पे। देखिए क्या है कि आज हमारी जो यंग जनरेशन, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो हमारी युवा पीढ़ी है आज हमारी, वही हमारा भविष्य निश्चित करेगी। यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो किसी मूवी के माध्यम से, किसी सीरियल के माध्यम से, किसी भी तरीके से अगर बच्चों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा भी हो रहा है, इससे आप सतर्क रहें, तो इसमें अगर कुछ गलत कहा, कुछ गलत नजर आ रहा है, भारत के लिए ये कार्य हो रहा है, भारत के युवाओं के लिए कार्य हो रहा है, ये किसी हिंदू मुस्लिम के लिए कार्य नहीं हो रहा, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने लगते हैं। आपको क्या लगता है भारत के लिए, देश के लिए कुछ नहीं होना चाहिए? आज किस कितने टुकड़ों में बांटने का प्रयास आप कर रहे हैं, हर एक जगह पे हम देखते हैं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर बार। महत्वपूर्ण बात यह है कि आसिम बकर ने बोला गुजरातियों को यहाँ लाभ मिलेगा, गुजराती अलग देश से आते क्या भैया? वो तो बताने वाले ही बता सकते हैं कि गुजरात हो सकता है उनके लिए नजर में अलग से आ रहा हो, कि गुजरात और मिलेगा या कर्नाटक कहीं अलग आ रहा है, क्या गुजरात भी कहीं अलग से हो सकता है इनकी नजर में आ रहा हो, क्योंकि इन्होंने विभाजन करने का प्रयास ही कर दिया। मैं ऐसा लगता है सब लोग देश को अलग अलग तरीके से देखते हैं। मैं अब जनरल बात करूं, लोगों के बीच में इतने ज्यादा नफरत पैदा हो गई है, आदमी बिहार का आदमी अपने को बिहारी कहता है, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश वाला को अपने कहता है, भारत का निवासी कोई नहीं कहता, भारतीय कोई कहना नहीं चाहता, इस कदर इस राजनीति ने देश को पहुंचा दिया। अब बात करते हैं, अभी AIM के नेता जो कह रहे थे कि आसाराम पे बनाए, नित्यानंद पे बनाए, तो मैं उनको संज्ञान में दिला दूं कि अभी एक वेब सीरीज आई थी आश्रम करके, वो शायद आसाराम जी के ऊपर ही बनी हुई थी पूरी मूवी, उन्होंने शायद देखी नहीं होगी, लेकिन उस पर कोई बवाल नहीं हुआ, किसी तरीके कोई विवाद नहीं हुआ, ना किसी हिंदू ने कहा कि ये सनातन के विरोध में है। क्या बात? क्योंकि जो बात है, जो गलत जो सत्य है, वो सामने आना चाहिए जी। आज केरला की केरला मूवी आ गई तो ये जो है बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुस्लिमों के खिलाफ हो गया। सत्य को अगर सामने लाना किसी के लिए गुनाह हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो सत्य को सामने लाने ही नहीं देना चाहता है। आपकी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, आपकी युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, आपकी युवा पीढ़ी गलत रास्ते जा रही है। अगर उसको सुधारने के लिए अगर कोई शिक्षा प्रद चीज दी जा रही है, तो उसमें आपको दर्द किस बात का हो रहा है? कहां से आपका वोट बैंक कम हो जा रहा है? वोट बैंक आपके तब कम होते हैं जब आपकी इस तरीके की सोच सामने आती है, इसलिए आपके वोट बैंक कम हो जाते हैं। भारत के लिए राजनीति करना सीखिए, भारत के बच्चों के लिए राजनीति करना सीखिए, क्योंकि ये आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। आज आपको सत्ता नजर आ रही है, इसी तरीके से रहा, अगर भारत इस तरीके से तोड़ते चले गए आप, तो किसके ऊपर राज करेंगे? लोग आपके ऊपर राज करेंगे, जैसे पूर्वत करते रहे हैं। इतिहास उड़ा करके देखिए, अगर एकजुटता नहीं ला सकते तो ये निश्चित तौर पे ये भी हो सकता है, इस पर ध्यान रखें। ठीक है, सही मोहम्मद तकी भाई, मुस्कुराहट का कारण बता दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अगर मतांतरण की बात वहां पर कर दी है, तो ऐसी कौन सी बात कर दी? आंकड़े तो सबके सामने है, अखबार भरे पड़े रहते हैं और तमाम मामले सामने आते रहते हैं, कोई इसको नकार नहीं सकता। सही मोहम्मद तकी, क्या राय है आपकी द केरल स्टोरी पर, और फिल्म के माध्यम जिस तरह से दिखाया जा रहा है, राजनीति शुरू हो गई है, कहीं बैन हो रही है तो कहीं टैक्स फ्री हो रही है, आम आदमी पार्टी क्या राय है? और भारतीय जनता पार्टी जो प्रस्तुत कर रही है हिंदू बहनों को बदनाम कर रही है, बहुत शर्म आती है मुझे देखते हुए। शर्म आ रही है, क्या कहते हैं हिंदू बहनों के बारे में, हमारे देश की बहनों के बारे में, उस केरल राज्य के बारे में जहाँ लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, बिल्कुल देश में ज्यादा सबसे ज्यादा लिटरेसी किसी किसी स्टेट में है तो वो केरल में है। अच्छी बात, केरल में सबसे ज्यादा फॉरेन से करेंसी आदमी पैसा आता है, इतना किसी राज्य में नहीं आता। अच्छा, 96% लिटरेसी रेट है केरल का, 77% है पूरे भारत। क्या बात है, वहाँ 0.75% लोग जो 0.71% लिटरेसी लाइन है। ठीक है, आप बात के सुन लीजिए, सुना लीजिए। 26% लोग जो है भारत के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन है, केरल में 0.71% से कम लोग पॉवर्टी लाइन नीचे है। सबसे ज्यादा पैसा फॉरेन से, जो NRI से पैसा आता है, वो केरल राज्य में, दुनिया में के सबसे ज्यादा पैसा जो है भारत में आता है, वो केरल में आता है, क्योंकि वहां के लोग, केरल के लोग मिडिल ईस्ट में अलग अलग जहां पे नर्स की नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टर की नौकरी कर रहे हैं, टेक्निकल स्टाफ की नौकरी कर रहे हैं, और भारत को अपने देश को पैसा बेच रहे हैं। अच्छा, उस देश के अंदर जहां दुनिया का पहला
सोलर एनर्जी चलने वाला एयरपोर्ट बना है जो विश्व के सामने एग्जांपल, उस केरल की बात कर रहे हैं हम, उस केरल की बात कर रहे हैं। बातों के अलावा आप फाइल पर स्टोरी पर बोलेंगे कि बातें बोलेंगे, मैं भी आपके बीच में नहीं बोलूंगी, पर आप शायद भूल गए कि आप किस मुद्दे पर है। गौरव जी इनको बताइए कि मुद्दा इस टाइम पर झाड़ू का नहीं है, इस टाइम मुद्दा 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 चीनी का नहीं है, इस टाइम मुद्दा किसी भी प्रकार का नहीं है, इस टाइम मुद्दा एक बहुत ही गंभीर मामले पर है। तो ये अपना मजाक बंद करके आप उस स्टोरी पर आइए जिसके लिए आपको बुलाया गया। गौरव जी प्लीज, हो गया हो गया, आप क्यों मिर्चियां लग रही हैं, बोलिए, आप क्यों परेशान हो रही हैं, क्योंकि आपको शर्म नहीं आ रही ना कि आप किस मुद्दे पर आए बात कर रहे हैं। अरे मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वो कह रहा है मुद्दे पे बात कर रही है, शर्म आप पार्टी को होनी चाहिए, आप लोग मुद्दे पे आइए। आपको पता ही नहीं कि आपको किस बारे में बात करनी है, आपको पता ही नहीं है, आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है, आपको बस केवल पैसे की चिंता है, जो कि आप किसी भी अपराधी से पैसे लूट लेते हैं, आप वो लोग हैं, आपको चिंता ही नहीं है किसी चीज की। जवाब दीजिएगा, बोलिए, आपका कोई आंकड़े नहीं है, अच्छा कोई आंकड़े नहीं कहा जा रहा है, यही तो मैं बता रही हूँ, आपके पास इतने आंकड़े हैं कि आप लोग अपराधियों से भी पैसे लूट लेते हैं, तो बिल्कुल बातें मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का। तो ये आप ये मजाक बंद करके, आप ये मजाक बंद करके, अगर आपके घर में बहनें हो बेटियां हो, उस विषय को सोच करके कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, इस विषय को सोच करके आप बात करें प्लीज। चलो ठीक है, बात कर रहे हैं, बोले बोले कर रहे हैं गज्जा जी, प्लीज उनकी आवाज ले रहे, पहले बोलिए बोलिए मेरे बात बोलिए बोलिए, अभी आपका जवाब देंगी, आराम से जवाब देंगी, बोलिए बोलिए। आप अभी इनके अमित शाह जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की चुनाव, इनके अमित शाह कौन है, उत्तर प्रदेश के अमित शाह कौन है भाई, देश के अमित शाह है, वो आपके भी है, गृह मंत्री है, गृह मंत्री बोल रहे हैं कि आपको बोलना क्या है, किसने बनाया आपको प्रवक्ता, किसने बनाया आपको प्रवक्ता, कैसे प्रवक्ता है आप, आपको नहीं पता है कि अमित शाह कौन है, लीडर है, वो जिस तरह काम कर रहे हैं, अरे बीजेपी के लीडर नेता है भाई, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री है भाई, इनके थोड़ी ना है वो, बोलिए अमित शाह, अमित लखनऊ में आपके, लखनऊ में आपका मतलब होता है सबके, अच्छा आप तो लगता भारत ही बांट दोगे, तहजीब को जानती नहीं है, अच्छा आप भारत बांट दोगे, मुझे लग रहा है नहीं है, हमें लगता है बंटवारा करना चाहते हैं, चले ठीक है ठीक है, बोलिए हमारे सबके, चले बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे आप, गृह मंत्री के क्या बोल रहे थे, बोलिए बोलिए तकी भाई, बोलिए अरे सही मोहम्मद तकी, बोलिए भाई, अरे हो गया मुझे पता, बोलिए 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 अमित शाह क्या बोल रहे हैं, ये बोलेगी तो मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा अरे बोलिए बोलिए बोल, नहीं बोले इधर, आपको पता ही नहीं कि बोलना क्या है, आप चले बोलिए, अच्छा आप शायद समझ की नहीं आए, चले बोलिए 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 ताकि भाई बोलिए, आप ठीक से पढ़ के नहीं आई है, अरे बोलिए लखनऊ में अमित शाह कह रहे थे चुनाव के दौरान, जो देश के गृह मंत्री है, कि लखनऊ में अगर लोग सोने के जेवर लेके निकले आधी रात में तो वो सेफ है, ये कल की वारदात है अलीगंज में, अलीगंज में बच्ची एक औरत अपने बच्चे को लेके जा रही थी, मोबाइल कब दिखाएंगे, सोने की चेन छीनी गई और बच्चे को जख्मी कर दिया, पता कर गया, कल की नहीं है भैया, तीन दिन हो गई, बात तीन दिन हो गए, छठी में बनी है, आते हुए लखनऊ के अंदर बिल्कुल लखनऊ को, एक लखनऊ को महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं बना पा रहे, अरे भाई ये और बातें बड़ी, ये कानून का मुद्दा नहीं है भाई, ये केरला स्टोरी का मुद्दा है, उसको बात करिए, बोलिए, ये सारे फर्जी आंकड़े हैं, अच्छा सारी गलत, तो मैं बहुत बड़ी सलाह देने वाला हूँ आपको, आप तत्काल जाइए और आम आदमी पार्टी द केरला स्टोरी के निर्देशक और निर्माता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमा दर्ज करा दे, अगर फर्जी आंकड़े हैं मुकदमा दर्ज कराइए, देश के अंदर आपसी भाईचारे को खत्म करना, लोगों के अंदर ध्रुवीकरण करना, बिल्कुल अगर ये आंकड़े गलत है तो आप इस फिल्म को बैन कराइए और निर्देशक और निर्माता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, बिल्कुल जी कराइए, अगर पिक्चर इनको दिखाने का इतना शौक है तो उनसे कहीं फ्री में रिलीज कर दे, ओटीटी प्रोग्राम में रिलीज कर दे, पूरे सब देखेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, पिक्चर सबको दिखा, जब आपको लगता है कि सौहार्द खत्म कर रही है तो मुकदमा दर्ज करा दीजिए भाई, रिलीज कर दे फ्री में जी भाई, इसकी सीडी रिलीज कर दो, बीजेपी कार्यालय से बांटे सीडी अपनी, दिल्ली में बैन करेंगे नहीं करेंगे, दिखा दे फ्री में, दिल्ली में बैन करेंगे नहीं करेंगे, तो पैसा कमा रहे हो, अरे दिल्ली में बैन करेंगे, देखिए ये लोग हमेशा संवेदनाओं से पैसा कमाते हैं, सही मोहम्मद तक जवाब दीजिए भाई, पैसा कमाया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बात आ गई बात आ गई, दिल्ली में बैन करेंगे, दिल्ली में बैन करेंगे, पिक्चर नहीं करेंगे, उस केरल की बात नहीं है ये, जवाब नहीं इनके पास, कोई बात ही नहीं, दिल्ली में बैन करेंगे मूवी को, पता ही नहीं आए क्यों है, इस मूवी को दिल्ली में बैन करेंगे आप, अरविंद केजरीवाल बयान देंगे इस पर कि मैं दिल्ली बैन कर रहा हूँ, बोलिए बिल्कुल, इस पिक्चर को हर जगह जाओ, शांत प्रति स्टेट है, अच्छा जो भाईचारा मेंटेन करना चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, उससे का बैन होनी चाहिए, अच्छा अरविंद केजरीवाल बैन करेंगे, बैन का समर्थन करता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री बैन करेंगे, इसका जवाब दे दीजिए प्लीज, बिल्कुल बैन बिल्कुल करेंगे, करनी चाहिए बैन, चलिए ठीक है, अरविंद केजरीवाल बैन करेंगे, बड़ा बयान, ठीक है, दयाराम भार्गव, दयाराम भाई फिल्म देखते हैं आप, कश्मीर फाइल भी देखते, मैं फिल्म नहीं देखता, नहीं देखते, चलिए ठीक, चुनाव में व्यस्त है इस समय,
चले कोई बात नाराज नहीं, नहीं मैं पहले से भी भाई साहब मुझे लग रहा है जी कि मेरी उम्र में मैं अगर एक आध फिल्म देखा होगा देखा लो मैंने फिल्म नहीं देखा। अच्छा ठीक है ठीक है, नाराज मत होइए दयानंद भाई, आप हमारे यानी पसंदीदा प्रवक्ताओं में एक है। खैर दयानंद भाई, द केरल स्टोरी मूवी आई है और मूवी आने के साथ साथ 5 मई को रिलीज हुई और केवल 4 दिन बाद ही विवाद शुरू हो गए। विवाद तो खैर ट्रेलर पर शुरू हो गए थे और कई जगह बैन की जा रही है, कई जगह इसको टैक्स फ्री किया गया है और अब इस पर चर्चा हो रही है, राजनीति हो रही है और ये कहा जा रहा है कि फिल्म आपसी सौहार्द को खत्म कर देगी। यही बात कश्मीर फाइल में कहा जाता जी जी गौरव भाई जी, जो केलर फिल्म बनी है पूरे भारत में टैक्स फ्री कर दिया जाए, क्या दिक्कत है बताइए हमको जी। फिल्म है ना, मनोरंजन का चीज है ना जी। मनोरंजन कोर नहीं करना चाहता जी। हम अगर अपने जीवन के कार्य से तृप्ति होने के बाद हम मनोरंजन के लिए जी किसी हिल्स पे जाते हैं जी, किसी अदर पार्क में या कहीं जाते हैं घूमने टहलने जाते हैं तो मनोरंजन के लिए जाते हैं ना जी। फिल्म एक मनोरंजन है जी, वो किसी के आस्था के साथ जुड़ जाए जी या कोई अपने परिवार के साथ जोड़ ले, ये उसकी भावना है। क्या बात है। दूसरी बात जी, अगर ये सही है तो दूसरी बात, आज फिल्म बनना चाहिए था। देखो मैं फिल्म नहीं देखता जी, मेरी फिल्म जो है जी वो आपका तेलंगाना एक राज्य है जी, उस राज्य की आबादी समथिंग 4 करोड़ है। बिल्कुल, वहां पे कक्षा 4 से लेके पीजी तक जो है शिक्षा फ्री कर दिया है। ये फिल्म मेरे लिए बढ़िया है। क्या बात है। मैं इस फिल्म का बहुत स्वागत करता हूँ उस राज्य के मुख्यमंत्री का, केसीआर का, जिन्होंने 4 करोड़ की आबादी में अच्छा शिक्षा का एक नया आयाम दिया और शिक्षा मुक्त किया। मेरे देश को शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दे दीजिए, बाकी की जरूरत नहीं है। ये फिल्म बनना चाहिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, फिल्म तो बनना चाहिए था कोरोना काल में, राम नाम के चादर में लिपटी लहसे जो नदियों के किनारे तैरा करती थी वो फिल्म बनती, क्यों नहीं बना? बात कर रहे हैं। दूसरी आपको हकीकत नहीं पता क्या दराम जी? हकीकत नहीं पता इस बारे में। अरे वो हमारे बात सुन लीजिए, मैं थारे भाई तक गया था और बीच में। अरे सुनिए भाई, अरे भाई तक फिर दुकान की तरह मैं धरती पे काम करता हवा वाले क्या नाराज किए भाई, क्या नाराज हमें पता, पहले चुप लीजिए, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले सुनिए हमको, बोलिए बोलिए। हम धरती की बात करते हैं, हवा हवाई बात नहीं, हवा हवाई बात कर रहे हैं। आप हवा में उड़ रहे हैं, जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसमें बोल रहे हैं। आप तथ्यों पर नहीं गए, आप तथ्यों पर नहीं गए, आपको नहीं मालूम। बिल्कुल आप झूठ बोलेंगे तो दर्द होगा। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, सुन बोलिए। ऑक्सीजन से मरने वाले बता दिया, अगर ये फिल्म बनना चाहिए था कोरोना काल में तो मैं स्वागत करता जी। आप क्यों घरों में रुके थे? आप निकले क्यों नहीं बाहर? नोटबंदी में जो 9 लाख कंपनियां बंद हुई, अच्छा आज की मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, लोकसभा राज्यसभा में बयान दिया था कि नोटबंदी और कोरोना काल में 9 लाख कंपनियां बंद हुई। अच्छा 9 लाख कंपनियों में काम करने वाले लोग, गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान वंचित समाज का बेटा था। अच्छा इसपे अगर फिल्म बनता तो गौरव भाई मैं स्वागत करता। अच्छा स्वागत योग्य है। अच्छा क्यों नहीं स्वागत योग्य है? अच्छा अच्छा हमारे देश में तमाम तरह की बातें हैं। यहाँ पर 32,000 महिलाओं के मतांतरण की बात कही जा रही फिल्म में, उनको 4 मुख्य एजेंडे के तहत उनका मतांतरण कराया गया और एक एजेंडे में लगाया गया, उसकी बात कही जा रही है। नहीं, तो यहाँ महिलाओं की बात कही जा रही है। देखिए जी गौरव भाई, मैंने कहा ना फिल्म मनोरंजन का काम है। अच्छा अपनी अपनी नजरिया देखने की मैं उस पर नहीं जाता। क्या बात, मैंने कहा ना मनोरंजन का काम है और किस नजरिया से देखता है? महाभारत बना है जी सीरियल, रामायण बना है सीरियल जी, सबका देखने का नजरिया अलग अलग है। अच्छा मैंने कहा ना कौन किस नजरिए से देखता है वो उसकी नजर पे डिपेंड करता है। अच्छा जरूरी नहीं है फिल्मकार फिल्म बनाने के लिए ऐसे नहीं बैठा। आप बताइए सेंसर बोर्ड बना है, उस फिल्म को पास किया है ना तो कुछ सोच समझ के पास किया होगा। ममता बनर्जी और बजट क्यों बैन कर दिए धर्म भाई? मैं कह रहा हूँ दूसरी बात ये सुन लीजिए, तो जब फिल्म मनोरंजन के लिए बनी है और सेंसर बोर्ड ने इसको पास किया है तो जो पिनराई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने फिल्म को बैन क्यों कर दिया? बोला जा मैंने कहा ना जी हो सकता है उनके मनोरंजन में खलल आ रहा हो। क्या बात है। मैंने कहा ना किसी फिल्म को अपनी नजरिया है, कौन किस नजरिए से देखता है वो मनोरंजन की चीज है ना कि उसको अपने घर में उतारने की चीज है। दूसरी बात जी, अगर यही फिल्म महंगाई पे बना होता तो मैं स्वागत करता। अच्छा यही फिल्म अगर बेरोजगारी पे बना होता तो मैं स्वागत करता।
यही फिल्म अगर स्वास्थ्य सुविधा में बना होता तो मैं उसका स्वागत करता। अच्छा। यही फिल्म आटा दाल चावल दूध दही छाछ चीनी गैस सिलेंडर पेट्रोल में बना होता मैं उसका स्वागत करता। मैंने कहा ना मेरा देखने का नजरिया जो है वो ये है। अच्छा, हमारे आज देश में 140 सवाल रहेगा मेरा आपसे, कंचन जी की बात लूंगा। जी बोलिए दयाराम भाई। देखिए हमारी कंचन जी को, देखिए जी मेरा एक सवाल है, बड़ा छोटा सवाल है। इतना उग्र हो रहा है, मनोरंजन की बात कर रहे हैं, पर जब आदि पुरुष पर रामायण के पात्रों को गलत वेशभूषा में दिखाया गया तो वहां पर क्या था? तो वहां पर मैंने उसका भर्त्सना किया, आप मेरा ट्विटर देख सकते हैं। जी ठीक है, आप फिल्म देख आप देख सकते हैं मैंने उसका भर्त्सना किया है। जी मैंने कहा ना मेरा आस्था है। जी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। को सिगरेट पीते दिखाया गया तो वहां पर विरोध होना चाहिए। दयाराम भाई मेरा कहना यही है कि जब बात की जाती है, जब मुस्लिम वर्ग के किसी पात्र के साथ या किसी कथानक के साथ बात होती है तो वहाँ पर फिल्में बैन होती हैं, विवाद होता है, पर जब हिंदू धर्म के साथ किसी चरित्र के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ होता है तब फिर बैन क्यों नहीं की जाती फिल्म? ये फिल्में बैन होनी चाहिए। यहाँ तो हिंदू बहनों की आस्था खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, हिंदू बहनों का गलत विचार है। जवाब लूंगा, आप मुकदमा कराइए पहले, आप मुकदमा कराइए पहले निर्देश के खिलाफ। ठीक है बोलिए गौरव भाई। जी बोलिए। जिसको इस पे दिक्कत है कोर्ट जाए ना, सुप्रीम कोर्ट जाए ना, दिक्कत क्या है? सैयद मोहम्मद तक की दिक्कत है भाई। देखिए कोर्ट जाइए ना, न्यायालय बना ना हमारे देश में, आप जाइए न्यायालय में। जी कोर्ट में गए लोग, ग्राउंड में गए लोग। जी कोर्ट में गए हैं बोल रहे हैं, और आम आदमी पार्टी कोर्ट जाएगी बोल रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में बोल रहे हैं। मैंने कहा आम आदमी पार्टी बोले, अच्छी बात है। अब सुनिए आम आदमी पार्टी कहानी सुनाता हूँ भाई, सुना दीजिए। यही हम गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा, हमारा नगर पालिका है थोड़ा, हाँ। नगर पालिका परिषद, ये 12 लाख की आबादी, कई बार मैं आपके चैनल से सभी चैनलों बोलता हूँ, हाँ। बगल में दिल्ली का मयूर भर फेस्त्री है, हाँ। और गौरव भाई अपना माइक अगर लेके आए तो मैं दिखा दू, थोड़ा कॉलोनी के लोग दिल्ली के लिए निकल नहीं सकते, इतना कीचड़, इतना पानी भरा हुआ है, इतना मलबा यहाँ पड़ा हुआ है, कैसी बात करते हो आम आदमी पार्टी के? अच्छा। साफ सफाई की बात करते हो और गंदगी लाके खड़ा करते हो, यही आम आदमी पार्टी का काम है क्या? काम करने के लिए सरकार आपको चुनी, वो करते नहीं हो, टीवी डिबेट में आके केवल बहस करते हो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने कहा मैं धरती का बात करता हूँ, मैं धरती का नेता हूँ, हवा भाई नेता नहीं हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। दयाराम भाई आप प्रवक्ता भाजपा, कंचन रेड्डी सबका जवाब देगी, विवेक पांडे का, सहमत तक की, और दयाराम भार्गव। कंचन जी जी बहुत ही बुरा लगा मुझे गौरव जी सुनकर कि आप दयाराम जी बोल रहे हैं कि केवल मनोरंजन का साधन है। मुझे लगता है वो बेटियों पर बात नहीं करना चाहते, मुझे लगता है वो महिलाओं पर बात नहीं करना चाहते, या तो शायद उनकी बेटी नहीं रही होगी, या फिर या महिलाओं से जैसे वो मूवीज से दूर रहते हैं अब कहने के लिए वो कह रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। भूषण जी कौन है भाई? ब्रिजभूषण जी को क्यों नहीं गिरफ्तार करवाते हो भाई? अगर ऐसी बात अभी 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 वो बेटियां बैठी हो, आपकी बेटियां नजर नहीं आती? पता है कि आपको बोलना नहीं आता, आप बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस बेटी की बात मुझे इस बात को सुन के भी बड़ा बुरा लगा कि उनको इस कहानी में केवल मनोरंजन दिखाई दे रहा है, तो धिक्कार है वो ऐसे लोग जो लोग अपने देश की बेटियों में मनोरंजन देख रहे हैं, अपनी महिलाओं में जो कि देश की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उनमें उन्हें मनोरंजन दिखाई दे रहा है। काश, अगर मैं कभी नहीं चाहूंगी ईश्वर के द्वारा कि उनकी बेटी पर कोई खरोच भी आए, अगर ऐसा हो जाए तो एक बाप का हृदय फट जाता है। विचार करो कि जो केरल की बेटियां होंगी जिनके ऊपर ये गुजरा होगा, उनके उनके हृदय में, उनके पिता के हृदयों में क्या गुजर रहा होगा। आज दयानंद जी बैठ करके टीवी में बकवास कर रहे हैं, उनके हृदय से नहीं पूछ सकते कि केरल में क्या गुजरा है। दूसरी बात, उन्हें मैं ऐसे आदमी को भी क्या कहूं जो व्यक्ति मनोरंजन का साधन रामायण को बता रहा है, जो मनोरंजन का साधन महाभारत को बता रहा है, तो मैं कहूंगी कि उसको किसी चीज की नॉलेज नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो अपने धार्मिक ग्रंथों को, अपनी आस्थावान चीजों को, अपनी बेटियों को, अपने भारत की महिलाओं को मनोरंजन केवल देख रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी प्रकार से बोलने के लायक भी हो सकता है। वो बस केवल कुछ चीजों को रट कर आया है, वो बस केवल उन्हीं बातों पर बोलना चाहता है। ये शब्दों का चयन इनका ठीक नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, आपको इन बातों पर एक सेकंड दया दया से बात नहीं करना। बदतमीजी आप कर गए हो, आप कर गए हो। अरे भाई आराम करो, जब आपने ये चीज इसके जगह ये मनोरंजन है, आप बदतमीजी कर गए, आप आराम कर गए जब आपने बोला कि ये जो फाइल है
उसके लिए आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते करोगे उसके साथ। मैं कह रहा हूँ दूसरा क्या गिरफ्तार होंगे? वो देश की महिलाएं नहीं है, देश की बेटी नहीं है, जंतर मंतर में बैठी है, देश की बेटी नहीं है, जंतर मंतर में बैठी देश की बेटी नहीं है, वो देश की बेटी नहीं है, वो देश की बेटी नहीं है, आपकी नजर में कौन हो? देश की वो बेटियां नहीं है, देश की बेटी नहीं है, आपको देश की बेटी नहीं है, क्या क्या मैं कह रहा हूँ देश की बेटी नहीं है, फिल्म बनता है मनोरंजन के लिए, कहाँ से पढ़ाई की है, समाज में भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सुनिए आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता है आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे खुद पता है। मैं जब लहासों की बात करूंगा तो जबान बंद हो जाएगी, जब बेरोजगारी की बात करूंगा जबान बंद हो जाएगी, जब मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा जबान बंद हो जाएगी, जब मैं शिक्षा की बात करूंगा जबान बंद हो जाएगी, जब मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा जबान बंद हो जाएगी, जब मैं महंगाई की बात करूंगा जबान बंद हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, गैस सिलेंडर का सारे गैस को मिल रहा, जबान बंद हो जाएगी, उसमें चर्चा नहीं होगी, लोगों को महंगाई में धोखा दिया, वो आपकी जबान नहीं खुल सकती। मैंने कहा महंगाई में जबान बंद हो जाती है, अब आपको तकी का जवाब देना है कंचन जी, सही मोहम्मद तकी की बात का जवाब दे लीजिए। एक बात दोहरा जी, गौरव जी, तकी भाई कुछ पूछ रहे थे आप, कंचन जी कुछ पूछ रहे थे आप। मैं कह रहा था जिस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर 36,000 महिलाएं जैसे कि बताया जा रहा है, उन्होंने धर्म कर्म कर लिया अपना, वो हिंदू से मुसलमान बन गई तो, और बाहर चली गई, ईसाई से मिल गई, तो उस देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा अच्छा, कि उनके होते हुए 7-8 साल का, उनकी 9 साल सरकार है और ये हो रहा है। दूसरी बात ये कि हमारे देश की महिलाएं इतनी अनासमझ है कि वो बेवजह अपने धर्म परिवर्तन कर लेंगी। अच्छा, और वो ईसाई के साथ बंद करने चली जाएगी, दाइश करने चली जाएंगी। अच्छा अच्छा, ये आप हमारे देश की महिलाओं के आज सम्मान को ललकार रहे हैं। अच्छा अच्छा, उनकी बौद्धिक क्षमता में पश्चिम लगा रहे हैं। अच्छा, उनको नासमझ दिखा रहे हैं। अच्छा, मतांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भारत के अंदर हवाई जहाज उड़ा रही हैं, अच्छा, जो महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हेलीकॉप्टर चला रही हैं, आधी आबादी जो सैनिक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेस हैं, जो घर भी संभाल रही हैं, ठीक है जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, समय कम है, बौद्धिक क्षमता की भाई, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चलो तो ऐसी बात कर रहे हैं हमारे देश की हिंदू महिलाओं के ऊपर। अरे मैं समझ गया, दिल्ली बैन हो रही पिक्चर, ठीक है, बदनाम कर रहे हैं, मैं समझ गया दिल्ली बैन हो रही, चलिए ठीक है, ठीक है, दिल्ली बैन होगी फिल्म, चलिए हमारे मेरी कलाई, अरे ठीक है भाई, तकी भाई हो गया, हो गया, राखी बांधी है, हाँ चलिए, ये रही से कलाई में राखियां बनी है जी, गौरव भाई बचपन से आज तक, चलिए की तो भाई तो बता रहा हूँ, तकी भाई भाई बता रहा हूँ कि दर्द होना चाहिए, अगर वास्तव में ये घटनाएं हुई है, वहाँ पर गलत हुआ है, मतांतरण हुआ है, एजेंडा के खिलाफ वहाँ पर एक कार्रवाई हुई है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर आपको अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए बोलिए, कंचन बात करिए जी। गौरव जी मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि सैयद जी बोल रहे हैं कि उनको गृह मंत्री, क्योंकि उनके गृह मंत्री नहीं है इसलिए उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, बाकी मुझे लगता है कि अगर गृह मंत्री के नॉलेज में ने और शायद आपके नॉलेज में ये बात नहीं आई कि महिलाओं के साथ साथ जो जो वहाँ पर धर्म परिवर्तन हुआ है वो पुरुषों का भी हुआ है, आपको ये नहीं पता, तो फिर आपको ये भी कहना चाहिए कि उनमें भी बुद्धि नहीं है, उनमें तो महिलाओं के हिंदू बहनों को बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम खराब कर रहे हैं, हिंदू बहनों का, हिंदू बहनों को बदनाम कर दर्द है या मुस्लिम को लेकर हिंदू बहनों को बदनाम करें जी, बहुत दर्द हो रहा है आपको हिंदू बहनों पर, तब आपको दर्द नहीं हुआ जब हमारी बहने में दर्द होगा, हमारी बहने में दर्द होगा, अरे आपकी बहन होते तो आपको इस बात पर दर्द नहीं होता ना, यही यही आपसे चाहते हैं कि आपको दर्द हो और आपको इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये जो अन्याय हो रहा है उस पर आप लोग आपका दर्द है, गौरव भाई मेरी आवाज आ रही है, दर्द है जो गलत कर रहे हैं, दो मिनट रुकिए, दो मिनट भाई, बहनों हाल किया, गौरव भाई मेरी आवाज आ रही है, मैं आपकी बात लूंगा अभी, दो मिनट रुक जाइए, हाँ आ रही है आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, कंचन जी भाई बात करिए, बोलिए
गौरव जी बस यही कि इनकी पूरी बातों पर यही निकल के आता है कि जैसे इस फिल्म के ऊपर कहा गया सीधा सीधा मोटा मोटा कि इस फिल्म की वजह से भाईचारा खराब हो रहा है। नहीं, मैं कहती हूँ और सही नजरिए से देखने वाली बात यह है कि फिल्म की वजह से नजरिया खराब नहीं हो रहा है। ये फिल्म जो आ रही है, जिस बुराइयों को दिखाया जा रहा है, अगर वो बुराइयां हैं और ये सच है कि वो बुराइयां हैं समाज में, तभी फिल्म आई। क्योंकि हर एक फिल्म हमारे समाज से ली जाती है, हमारे समाज का आईना होती है मूवीज, और उनको उठाकर ही मूवीज में दिखाया आप बस केवल झाड़ू लगाइए वही आपके लिए ठीक है, बाकी समाज को कुछ सुनने नहीं है कुछ। अच्छा आप झाड़ू लगाइए, ठीक है, हो गया। अरे बाकी में मान भी भैया उनको बोलने दीजिए, सबका समय है। वे पांडे बोलिए, एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, मैं व्यक्तिगत भी और वैसे हमारी पार्टी की नीतियां भी जी, ना हम धर्मांतरण का समर्थन करते हैं और ना हम घर वापसी का समर्थन करते हैं। क्या बात, अगर धर्मांतरण उचित नहीं है तो घर वापसी भी उचित नहीं है। भाई किसी को भी अपने धर्म में यदि इतनी ज्यादा झिझक होने लगे तो मुझे लगता है कि उस धर्म के जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जो वहां पे धर्मगुरु बैठे हैं, उनको उससे सलाह लेनी चाहिए। अच्छा। ना हम वसीम रिजवी का समर्थन करेंगे और ना हम घर वापसी करने वालों का समर्थन करेंगे। अच्छा। भाई आप सालों साल तक किसी एक धर्म के अनुयायी होने के बाद हिंदू धर्म दर्शन में आ करके हिंदू धर्म दर्शन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ये बाई डीएनए जो आपको विरासत में बाई बर्थ मिलता है, ये उससे पोषित चीजें हैं, उससे पोषित संस्कार का जनक होता है जो डीएनए होता है। मुझे लगता है कि ये केवल नाम बदलने से, कागजी प्रक्रियाओं के अनुपालन से आपकी मानसिकता नहीं बदल सकती है। बिल्कुल। तो दूसरी बात पे मैं आऊंगा कि आज थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई दयाराम भार्गव भाई, ठीक है हमारे वैचारिक मतभेद रहते हैं मंच पे, लेकिन आज एक उम्र में भी बड़े हैं, अभिभावक स्वरूप है, लेकिन जिस तरह वो हताश दिख रहे थे या जिस तरह के शब्दों का प्रयोग, मुझे लगता है कि वो गंभीर प्रवक्ता है। हम लोग भी उनको फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा, क्योंकि फिल्में नहीं देखते हैं, लेकिन देखिए गरीबी पे भी बनी है रोटी कपड़ा और मकान, महंगाई पे बनी है ईएमआई, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं। तो दयाराम भाई को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आप मंच पे बैठ के केवल महिला सम्मान की बात करते हैं तो उसको सार्थक करना भी आना। क्या बात है, उससे बड़ी बात, बहुत बढ़िया, अभी गठबंधन बाकी है तो ये सब करके मुझे लगता है कि ऐसा ना हो दयाराम भार्गव भाई अपने प्रचीन गठबंधन बाकी हो रही आजकल। देखिए ये मैं थोड़ा माहौल को हल्का भी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ये चाहता हूँ केवल कि दयाराम भाई आज बहुत सीरियस है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको देखना चाहिए कि आप मंच पे प्रवक्ता के तौर पे आप बैठे, आप किसी गंभीर विषय पे बात, यहाँ किसी पे आक्षेप नहीं लगाया जाता, बिल्कुल, लेकिन मैंने एक ही वस्तु स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं कि अगर आप बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आश्रम से 4 महीने में 21 श्रद्धालु गायब हो गए, इस पे भी बात होनी चाहिए, बात इस पे भी होनी चाहिए कि मदरसों को लेकर के जो सवाल उठते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये फिल्म जो है, अगर आप इस फिल्म को नहीं समझ पा रहे तो पहले ये समझ लीजिए आईएसआईएस से हिंदू या किसी मुसलमान को भारत के नहीं जोड़ा जा रहा, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत विरोधी शक्तियां किस तरीके से भारत में सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये देखने का अपने देखने का नजरिए का और चश्मे का अंतर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि विवेचना और विश्लेषण जब आप करते हैं उसको तार्किक स्वरूप में करिए, व्यक्तिगत आक्षेप व्यक्तिगत लांछित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये फिल्म है जी। और फिल्म को लेके हम आप लड़ रहे हैं, मामला कोर्ट में जा चुका है जी। तो मुझे लगता है कि हम सब जिम्मेदार प्रवक्ता है, यहाँ पे जो भी बातें होंगी ये लोगों तक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा जी। कोई राज्य अगर कानून व्यवस्था के अपने अनुपालन को करते हुए, अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए उसको प्रतिबंधित कर रहा है वो उसका विषय है, अगर कोई नहीं कर रहा है ये उसका विषय है। आज उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री हो गई है तो क्या लोग जा नहीं रहे देखने के लिए, या आलोचना करने वाले उसको आलोचित नहीं कर रहे? सबसे बड़ी बात है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये पूरा विषय ना भारत के हिंदुओं से प्रेरित है ना भारत के मुसलमानों से प्रेरित है, ये पूरा विषय केवल उन बाहरी शक्तियों से प्रेरित है जो कि भारत की एकता अखंडता संप्रभुता में सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब तक आप इस तथ्य को, इस बात को नहीं समझेंगे आप फिल्म नहीं समझ सकते। तो ये फिल्म देखने को उनको समझ क्यों नहीं आ रही है, क्यों बयान कर रहे हैं? अगर कोई चीज दिखाई जा रही है विवेक भाई तो निश्चित रूप से उसको समझना। मैंने अभी आपको एक जवाब दिया था जी कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो परजानिया नाम की एक मूवी को उन्होंने प्रतिबंधित किया। अच्छा। कुछ दिन पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने प्रतिबंधित किया। अच्छा। भाई हर राज्य की, हर राष्ट्र की अपनी इन कानून व्यवस्थाओं की चुनौतियां होती हैं जी। अगर आज कोई राज्य कर रहा है तो ये राज्य का अधिकार, राज्य को संविधान ने शक्ति दे रखी है कि वो कानून बना करके
अपने रूप अपने सुचारू रूप से अपने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति देखते हुए भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वो कानून बना सकता है। अगर वो बैन कर रहे हैं तो वो भी आलोचना का विषय नहीं होना चाहिए, और कोई टैक्स फ्री कर रहा है तो उस पर भी बात करने की क्या आवश्यकता है भाई। जनता जिसको देखना होगा वो देखेगी, आपके हमारे कहने से कोई रुक नहीं सकता। जब इस देश में अल्ट बालाजी की अश्लीलता परोसने वाले को आप पद्मश्री जैसा अवार्ड दे सकते हैं जिसने की सेना की वर्दी का अपमान किया था, तो इस देश में नैतिकता और तथ्यात्मक समरूपता आप किसी पे थोप नहीं सकते हैं। ये व्यक्ति विशेष सोच का विषय होता है, तमाम वेबसीरीज को बिल्कुल, और ये आपकी अपनी सोच का विषय है। आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, आप क्या आत्मसात करना चाहते हैं, आप क्या नहीं आत्मसात करना चाहते हैं। विकास मिश्रा, बहुत देर से सुन रहे थे, सबको सुना जी। तकी साहब ने अभी बड़ा महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करी, और भार्गव जी ने बात करी, परंतु जब अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे तो अपने शब्दों में थोड़ा सा उस सम्मान को भूल गए। इससे यह प्रदर्शित होता है कि अगर राजनीतिक सोच से आ जाते हैं तो उनके लिए महिलाओं का सम्मान भी खत्म हो जाता है, देश का सम्मान भी खत्म हो जाता है। तो इन लोगों के लिए कुछ कहना नहीं चाहते। हाँ, जहां तक इस मूवी को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तमाम वेब सीरीज बन गई, तमाम मूवीज ऐसी आ गई जिसमें इतनी अश्लीलता डाल दी गई जिसकी आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए कोई भी व्यक्ति, ना हमारी पार्टी जो सरकार में हो ना विपक्ष, किसी ना करके कभी विरोध नहीं करना चाहिए, कभी यह नहीं करना चाहिए, ये बैन हो जानी चाहिए। किसी प्रदेश में ऐसी कोई वेब सीरीज, ऐसी कोई मूवी बैन नहीं की गई। क्यों? क्या उस समय उनको आंकड़े नहीं नजर आ रहे थे? क्या उस समय उनको ये नहीं नजर आ रहा था कि हमारा भविष्य इससे खतरे में पड़ जाएगा? हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है कभी ये समझ में नहीं आया? नशा किस तरीके से दिखाया जा रहा है, यंग जनरेशन छोटे छोटे बच्चों को नशा करते हुए दिखाया जाता है और इस तरीके से छल्ले उड़ाते दिखाया जाता है, जिसको देख करके आजकल की युवा पीढ़ी करने का प्रयास करती है। किसी को नहीं नजर आया, किसी प्रदेश में नहीं नजर आया, वहां आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वहां देश की बात थी, वहां राजनीति नहीं हो पाती। राजनीति के लिए आप लोग सिर्फ बैठते हैं, और इसीलिए ऐसे लोग व्यक्ति के बारे में इसलिए मैं चुप रहा, मैं बोलना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो भारत को तोड़कर सिर्फ राजनीति का प्रयास कर रहे हैं ना, उनके साथ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। देश को एकजुटता की तरफ लाने का प्रयास करिए, देश को एक करने का प्रयास करिए। मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, आगे आने वाले भविष्य में अगर एकजुटता नहीं लाए तो आप राजनीति किस पे करेंगे, राज किस पे करेंगे, शासन किस पे करेंगे? अकेले कुर्सी डाल के अपने घर पे बैठे रह जाएंगे। इसलिए इसको समझिए और राजनीति को पहले बंद करिए, पहले देश हित के बारे में सोचिए। हर एक उस चीज को बैन कराइए ना, हर एक उस मूवी को बैन करा दीजिए जहां पे किसी भी धर्म नहीं, हम कह रहे हैं अगर सामाजिकता की बात हो रही है, समाज खतरे में आ रहा है, उसको बैन करा दीजिए। हर एक प्रदेश में होना चाहिए, नहीं होता है। सिर्फ इसको एक चश्मे से दिखाने का प्रयास आप कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि एक मुस्लिम इशारे कर रहे हैं, लेकिन यह बात सत्य है कि जब कोई घटना होती है तो हमारे मुस्लिम भाइयों पर उंगली उठती है। तो ऐसा मूवी अगर दिखाई जा रही है कि कुछ लोग जो विदेशी ताकतों के प्रयास में कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारे भाइयों को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह भी दिखना चाहिए कि हमारे सारे भाई ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। हमारे बच्चों को सतर्क रहना चाहिए, हमारे भाई जो हमारे साथ हैं, हमारे देश के लिए सोच रहे हैं, वो हमारे सदैव भाई हैं और भाई रहेंगे। लेकिन जो लोग विदेशी ताकतों के उस पर अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ऐसी मूवीज को दिखा करके अपने युवाओं को एक शिक्षा देनी चाहिए। इस पर सबको इस पर समर्थन करना चाहिए था, ना कि विरोध करना चाहिए। दयाराम भार्गव जी जैसा कह रहे थे कि मनोरंजन की चीज़ें हैं, तो माने मनोरंजन की चीज़ें होती हैं लेकिन कुछ शिक्षाप्रद भी होती हैं। अगर शिवाजी महाराज पर कोई मूवी बनेगी तो मनोरंजन की चीज़ नहीं होगी। शिवाजी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश को जोड़ने का प्रयास किया था, और सदैव वो पराजित कभी नहीं हुआ, अवजित रहे। तो ऐसे व्यक्ति पे अगर मूवी बनेगी तो शिक्षा देने के लिए बनेगी, मनोरंजन के लिए नहीं बनेगी। श्री राम जी पर रामायण बनी तो शिक्षा देने के लिए बनी, मनोरंजन के लिए नहीं बनी। महाभारत में भी शिक्षा मिली, जैसा कि अभी विवेक पांडे जी ने कहा, मैं उनकी तारीफ करूंगा इस बात में कि उन्होंने कहा कि महाभारत आई तो महाभारत को पूर्णतः अनुसरित करने के लिए नहीं थी, बल्कि उससे शिक्षा लेके अपने को सुधारने के लिए थी। इसको कहते हैं तरीके से मनोरंजन करना। ठीक है, ठीक है। दयाराम भार्गव भाई बोल रहे थे, विकंत जी बोलेंगे। दयाराम भाई बोलिए जी। भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया, इसलिए मैं आज अपने आप से आगे निकला। मैंने बार बार कहा किसी भी शब्द को बोलने से पहले सुनिए भाई, क्या बताइए ना प्रवक्ता महोदय, सुनिए। आप जब बोल रहे थे, आप शब्द आप बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था धिक्कार आपके ऊपर, आप कुछ नहीं बोला करके मैंने हर उस व्यक्ति को धिक्कारित किया। सुनिए जी, सुनो जी। उसको आप देख लीजिएगा रिपीट करके, आप हाँ, आप भी देखिए कि कोई आपकी हमें लगता है श्रवण शक्ति भी कमजोर है और बोलने की ताकत भी कमजोर है। दूसरी बात बोलिए, अब सुनिए, अब सुन लीजिए, सुनाइए। मैंने कहा किसी भी फिल्म को देखने के लिए, किसी भी मूवी को देखने के लिए, किसी भी धारावाहिक को देखने के लिए लोगों का नजरिया अलग अलग है, कौन किस नजरिए से देखता, मेरा पहला शब्द था। अच्छा, आप किसी के नजरिए को बदल नहीं सकते,
कोई आस्था के नजरिए से देखता है, कोई और नजरिए से देखता है, ये उसकी नजरिया है। मैं महाभारत रामायण को आस्था से नजरिए से देखता हूँ, वो मेरा नजरिया है, उसको मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन कौन किस नजरिए से देखता है उसको तय करने वाला मैं नहीं हूँ। तो मनोरंजन किसने बोला था? शिक्षा भी कोई चीज है, जो देखेगा उसको वही सही पार होगा। मनोरंजन शब्द आपने बोला था, बयान बदल दिया इतने जल्दी। मैंने कहा मनोरंजन का है, जितने मूवी बने किस लिए बने जी? मैंने कहा मूवी जो बनी किस लिए बनी है, मनोरंजन के लिए बनी कि नहीं बनी? और अगर गलत है तो सेंसर बोर्ड क्यों उसको पास करता है? ये एक समाज की बुराई को दिखाने के लिए मूवी बनी है कि ऐसी भी घटनाएं हो रही हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे समाज की बुराइयों को उठा करके फिल्म में दिखाया जा रहा है, जिससे कि आगे वो समाज में ना चल पाए, आगे उन चीजों पर बैन लगाया जाए, आगे ऐसी समस्याएं ना हो पाए, इसलिए मूवीज बनाई जा रही है, और ये अच्छी बात है। हिंदू बहनों को ऐसा दिखाया, हमारे देश में बंद हो जाती है। मैंने आपको बोला ना, बेरोजगारी चरम सीमा पे, इसमें क्यों नहीं बनाई जा रही है? महंगाई चरम सीमा पे, इसमें मूवी क्यों नहीं बनाई जा रही है? शिक्षा का स्तर सबसे नीचे चला गया, इसमें मूवी क्यों नहीं बनाई जा रही है? मूवी बनाई गई, अच्छा लगा कि नहीं लगा, बस इतना बता दीजिए। यार भाई, एक समस्या का समाधान हो, बस इतना बता दीजिए। महंगाई पे मूवी कब बनेगी? महंगाई पे भी बनेगी, बनी है, आपने देखा नहीं? देखा नहीं ना? सीजन के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर जो कोरोना में मरे थे, उसपे मूवी कब बनेगी? राम नाम भी आपको कुछ नहीं लगता है? राम भाई प्लीज, राम भाई, नॉलेज लेस होकर के आए हैं, आपको कुछ नहीं लगता है? नोटबंदी में किस तरह की त्रासदी मूवी क्यों नहीं बन रही है? कंचन ने मेरी कुछ पूछ रही है, तमाम मुद्दे हैं, कंचन ने मेरी कुछ पूछ रही है आपसे, बोलिए कंचन जी, बोलिए। मुझे बस इतना बता दीजिए, दोनों लोग, ये जो हमारे प्रवक्ता आप वाले बैठे हैं, और इनको तो चीनी और मलाई के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है आप वालों को, लेकिन भार्गव जी, आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से, क्योंकि मेरी आपके साथ बहुत सारी मैंने आपको कहा कोरोना काल में जो अकाल प्रांत में गए उसको मूवी क्यों नहीं बन रही है? मैंने कहा 9 लाख कंपनियां बंद हुई, क्यों नहीं हो रहा है? अरे ये तो निर्मला सीता जी का बयान है, जयराम भाई 9 लाख कंपनियां बंद हुई, क्यों नहीं हो रहा है? एक जवाब, सिलेंडर आपका 425 जयराम भाई, आखिरी सवाल पूछिए, सुनिए सुनिए, मेरे जवाब दीजिए ना भाई, इसमें मूवी क्या बनेगी? इसमें जवाब यही कब आएगी? अच्छा गौरव जी, फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये सपा या फिर भाजपा या फिर कांग्रेस आई ने मूवी नहीं बनाई है, ये मूवी किसी एक व्यक्ति ने बनाई है जो 10 साल से रिसर्च कर रहा था, और तब मूवी बनाई गई है। इसके बाद दूसरी बात, भार्गव जी, एक महिला लगातार बोली चली आ रही है, बीजेपी प्रवक्ता है वो, अरे तो आप कूद रहे हैं बीच बीच में भाई, अरे आप पीछे कूद रहे हैं भाई, बोलिए जवाब, बोलिए, बोल दीजिए, आप बोलिए, एक मिनट आपके लिए दे रहा हूँ, चलो एक मिनट आपके लिए दे रहा हूँ, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, डिबेट बाहर की बात बोल रही हो आप, अच्छा। तो चीनी पर आ जाओगे आप इसके अलावा कहीं जाओगे ही नहीं, आपसे ये फोटो देखिए, आप लगातार बोली जा रही है जी, कोरोना के दौरान एक बेटा अपने बाप को मोबाइल के अलावा मुझसे बोलना नहीं आता क्या? भाई मेरे पास मोबाइल, मैं भी मोबाइल दिखा सकती हूँ, हो गया, अरे भाई ऐसा मत कहिए, सभी लोगों को डिबेट, सही मोहम्मद तकी भाई, मुझे पता है, अरे अभी तो आप बड़े पक्ष में थे, अभी तो बड़ी आपको दिक्कत हो रही थी, मैं भी हिंदू, थोड़ा सा मेरी भी वजह से कुछ कर लीजिए, दिखा दिया आपने कि आप क्या है, दिखा दिया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, आप लोग मत बोलिए, मुझे सही मोहम्मद तकी, सही मोहम्मद तकी सुन लिए, मुझे सब पता है, मुझे नमामि गंगे पता है, मुझे दिल्ली की गंदी यमुना ही पता है, मुझे दिल्ली कूड़े के पहाड़ ही पता है, मुझे सब पता है, मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए, मुझे सब पता है, महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए दर्द जिनको बहुत हो रहा था, इन्होंने अभी आपके सामने कह दिया कि इन बदतमीजों को मैं बैठाइए, क्योंकि ये भाजपा से थी महिला नहीं गुजर रही, ये इनकी सोच है, ऐसे लोग हैं, ये शायद झाड़ू लेके झाड़ू ही लगाने का काम करना चाहते हैं, पूरे देश को झाड़ू लगा देना चाहते हैं, आपने सोचना चाहिए, आपने शुरुआत किस चीज से किया, आपकी सोच को
चले हो गया हो गया बड़ी बड़ी बातें करना बड़ी बात नहीं है लेकिन उसको सत्यता बड़ी बात होती है एक घंटे के अंदर आपकी सच्चाई सामने आ गई एक घंटे के अंदर आपकी सच्चाई सामने आ गई अभी आप हिंदू महिलाओं की बात कर रहे थे मेरी ये भाजपा से बैठी बहन भी हिंदू ही है और आपने उनके लिए बदतमीज शब्द का प्रयोग किया पूरा समाज पूरा देश आप पे थूकता है इस तरीके की बातें कर रहे हैं ममता की विकास मुखर्जी जवाब लीजिए सर ममता की बहुत महिलाओं के लिए कर रहे बात दर्द हो रहा था राखी बांध रहा था राखी थी यहाँ पे आज राखी कहाँ चली गई समय बदतमीज के समय राखी नजर नहीं आई शर्म नहीं आई शर्म आनी चाहिए आईना देखना सीखो आईना देखोगे तो अपने अंदर सच्चाई समझ में आएगी चलिए हो गया हो गया ठीक है ठीक है हो गया चलिए आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद सर ममता की मैं डिबेट खराब मत करिए प्लीज आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद तो यह चर्चा है बहुत थी महिलाओं के सम्मान की बात भी कही जाती थी यहाँ धिक्कार शब्द भी सुना हमने और यहाँ पर हमें बदतमीज शब्द भी सुना है एक महिला के लिए तो महिला कौन कितना सम्मान करता है ये सारे हम जैसे खबर भी जानते हैं और सारे महिलाएं भी जानती हैं फिलहाल यह चर्चा थी केरल स्टोरी पर चर्चा बड़ी गर्मा गर्म रही कारण ये था क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ एक पक्ष ये बता रहा था कि हम महिलाओं के बारे में ऐसी हैं तो दूसरा पक्ष कह रहा था कि ये मनोरंजन का साधन है और फिल्में केवल मनोरंजन का साधन होती है तो मैं आपको बता दूँ कि जिन मुद्दों की आज बात इस चर्चा में की गई चाहे महंगाई की बात हो चाहे गरीबी की बात हो चाहे रोटी कपड़ा और मकान की बात हो सभी पर फिल्में बनी हैं पीपीली लाइव भी बनी है और रोटी और कपड़ा मकान भी बनी है कश्मीरी फाइल भी बनी है द केरल स्टोरी भी बनी है आर्य पुरुष भी बनी है और माँ काली पे फिल्म भी बनी है परमावर भी बनी है और तमाम तरह की फिल्में और तमाम बड़े ग्रंथों पर आधारित धारावाहिक महाभारत और रामायण भी बने हैं ये गौरतलब होता है कि आपको शिक्षा किससे लेनी है और समझना किसको है जब समझेंगे जब पिक्चर को समझेंगे कथानक समझेंगे उसकी सच्चाई को समझेंगे तो यहाँ पर समर्थन होगा बैन नहीं होगा पिक्चरें समाज का आयना होती है एक दिशा देती है जब दिशा बेहतर मिलती है तो उसको बैन करने से कोई फायदा नहीं है अब आने वाले समय में इस पिक्चर को कितने राज्यों में बैन होगा और कहाँ टैक्स फ्री होगी वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है पर एक बात स्पष्ट है जब भी कोई राजनीति होती है तो उसमें फिल्में और धार्मिक विवाद जरूर आते हैं और फिलहाल भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है यहाँ पर धार्मिक बयानबाजी चरम पर है कोई 80-20 की बात करता है तो कोई 20-80 की फिलहाल दोनों अपनी अपनी जगह गलत है क्योंकि यहाँ पर 80-20 और 20-80 पहले हम सब भारतीय हैं और हर व्यवस्था को एज ए इंडियन एज ए भारतीय देखना चाहिए बशीर बद्र साहब ने बहुत एक अच्छा बात कही है कि 7 संदूकों में बंद कर दो नफरत है 7 संदूकों में बंद कर दो नफरत है आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत तो आज की चर्चा में इतना ही नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार